जब पूरा अंधेरा होगा ना आप देख लेना, यहाँ से ना पूरा श्रीनगर स्मार्ट सी चमकेगी, एप्पल्स का गार्डन बहुत। सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस आज ना एक और मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं हमारे चैनल में, उनका यूट्यूब पे नाम है RAKS, जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप भी गाइस ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन आता है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को। तो दिल से थैंक यू सो मच। तो गाइस फिलहाल मैं आपको आज का सीन बता दूं, आज ना मैंने कहीं डिसाइड नहीं किया कहीं घूमने जाना है क्या कुछ भी। परू भाई ना कॉल कर रहे थे कि पहाड़ों पर जाना है, दारा जाना, उसको कुछ वहाँ पे काम है। परसों भी हम दारा ही गए थे, लेकिन आज भी वहां पे कुछ काम है, वहां से बोल रहे थे अस्तमर के सब भी जाएंगे। फिलहाल निकलते फिर देखते हैं कहां पे जाना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसके सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस बिना देरी किए करता है चलो शुरू। अभी 5 बज चुके हैं और आप जाके निकला मैं परो बाइक लेने के लिए, क्योंकि क्या है ना मेरी बाइक ना खराब हो चुकी थी, मेरे को ना 6-7 किलोमीटर धक्का देके आना पड़ा, फिर मैंने घर पे छोड़ी बाइक। अब मैंने जुगाड़ करके स्कूटी मंगवाया, अब इसी पे जाएंगे। ओके, आज ना यहाँ पे बर्दाश्त के बाहर गर्मी बहुत ही ज्यादा, ऊपर से बाइक खराब हो गई ना, धक्का देना पड़ा, इस वजह से पूरी एनर्जी ना मेरी खत्म हो चुकी है, सच में हिम्मत ही नहीं है चलने की भी, लेकिन क्या करेगा इस व्लॉग तो बनाना ही है ना। चले कोई नहीं, मैं जाता हूँ परुभा के लेने के लिए, उसके बाद निकलते। ओके, परुभा ना कॉल कर रहे थे, उसने ना कुछ केक मंगवाया 3K की खुशी में, तो देखते हैं, मुझे लगता है आज केक कटिंग करनी है 3K सेलिब्रेशन। ओके गाइस फाइनली आ चुका हूं मैं परुभा के घर। परुभा ठीक? हां जी भाई। और ये देखिए यहां पे ना केक कटिंग होने वाली है 3K की खुशी में। क्यों 3K की खुशी हो रही है? 3K सब्सक्राइबर की खुशी में तो ऊपर ही हो गया, आज 32 होने वाला है, ऊपर ही हो गया। सही है, काटने वाले ओए भाई, करते हैं आप केक की सेलिब्रेशन, करते हैं आप केक की सेलिब्रेशन 3K की खुशी में। 3K के तो ऊपर होने वाला है, लगता है 5K का भी काटेंगे। हां 3K से स्टाइल घुमा लेते, तो आप कटिंग करते हैं, ठीक है? हैप्पी 3K सब बोलना है, 3K काटू बीच में? हां काट लो, चलो जी हैप्पी 3K। अब चलाते हैं मम्मा को थोड़ा सा, थोड़ा भाई को, थोड़ा दादी आज चखेगी। चलो जी हो, चलिए गाइस फटाफट से केक खाते उसके बाद निकलते हैं। क्यों भाई खाते फिर निकलते हैं? ओके, से पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 3K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू भाई, जल्दी होने वाले 5K। अब ना आपको 3 को 5 बनाना था, आप उसी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाइक राइडिंग में बाइक के लिए प्रिपरेशन, ये देखिए गाइस आदत हो जाएगी ना थोड़ी मोटो व्लॉगिंग, आज ना परो भाई मोटो व्लॉगिंग कर रही है। क्यों भाई चलो फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी ना हम राजबाग साइड से ही जा रहे हैं दारा की तरफ, और ये देखिए अपनी स्मार्ट सी श्रीनगर। पता नहीं गाइस स्मार्ट सी में व्यूज क्यों आ रहे हैं, उसके बगैर आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे गाइस? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, स्मार्ट सी तो पास में ही है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अभी हम दारा ये सब जा रहे हैं, इसमें पेट्रोल भी खर्च होता है, सब कुछ ना जेब से ही होता है, मेहनत भी इतनी ज्यादा करनी पड़ती है, इसमें आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो गाइज, प्लीज पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। देखिए हैशटैग कश्मीर, देखिए गाइज ये जो सड़क के बीच में बनाया गया है ना, ये भी स्मार्ट सी वर्क ही है। देखिए तो गाइज फाइनली पहुंचे हम डल लेक, ये देखिए अब यहीं से आज भी हम पाजी आज भी हम शॉर्ट कटिंग करेंगे, है ना? वो ना मेरे को लगता है वैसे दूर होता है ट्रैफिक की ये सब का झंझट, है ना? हम जाएंगे निशात गार्डन के राइट साइड से ले लामा जो पहाड़ से, वहीं से शॉर्ट कट करेंगे। गाइस परसों हम दारा गए थे ना, वहाँ पे नहाया था स्विमिंग पूल में, परूप भाई को ना वहाँ पे वॉच गिर गई है और कुछ रिंग भी गिर गई है, तो आज ना वही लाने जाना है वहाँ पे। आई वॉच है? हाँ आई वॉच, आई वॉच है, तो वही सीन है, वहाँ पे वही लेने जाना है। शुक्र ऐसे ना वो रेस्टोरेंट वाले के पास रखी थी वहाँ पे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाते लाते परूप भाई की वॉच। तो गाइस हमने ना रास्ते में 5-5 रुपए वाली ऑरेंज ली, तो यही खाते क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। गाइस फाइनली पहुंचा मैं हरवन गार्डन के पास, ये देखिए यहाँ से ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दारा के लिए, अब यहाँ से कम ही है, लेकिन आगे से ना पूरा वो पहाड़ी रास्ता है। ठंडा ठंडा पानी गर्मी का, ये देखिए गाइस पूरा ना पहाड़ी रास्ता है यहाँ से। पाजी बोल रहे हैं हम वहाँ पे जाके नहाएंगे स्विमिंग पूल में, अभी देखते हैं क्योंकि लेट ना बहुत ही ज़्यादा हो चुका, 6:30 बज चुके और यहाँ पे ना फिर ठंड बढ़ जाती है, आपको पता ही है परसों को ठंड से क्या हालत हो गई थी। फिलहाल जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे जाने में, फिर उसी हिसाब से प्लान करते हैं। ओके बाकी आप यहाँ से देखिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी का व्यू, और ये देखिए ये रहा पूरा दारा का पहाड़, अस्थान मार्ग ये सब है वहाँ से। ओके ये देखिए वो रहा यहाँ से अस्थान मार्ग, ये देखिए गाइस यहाँ से एप्पल्स का गार्डन, बहुत सारे लोग ना कमेंट करके बोल रहे थे कि एप्पल्स का कश्मीरी एप्पल्स, तो ये देखिए एप्पल्स हाँ ये देखिए वो ना ग्रीन वाले भी है, और वहाँ से देखिए रेड वाले एप्पल्स, वहाँ पे तो नहीं जा सकते क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये जाली लगी हुई है, तो यहीं से देखिए एप्पल्स हाँ पूरा एप्पल्स गार्डन है यहाँ से ना, बहुत सारे गार्डन है, पियर्स के गार्डन है, चेरीज एप्पल्स, तो हाँ बहुत सारे गार्डन है यहाँ पे।
जा रहा हूँ बाकी मैं भी हूँ। तो गाइस ये जो बालू ये सब होते हैं ना वो ना इसी में उतरते हैं, जो गार्डन होता है ना फ्रूट्स का गार्डन, इसमें ज्यादातर बालू होते हैं। वो बोलते हैं ना यू से मनी कॉन्ट बाय हैप्पीनेस, या हबीबी कम टू दारा, यहाँ पे 150 रुपए में आ सकते हो 150 रुपए का पेट्रोल डालो आ जाओ दारा। फिर देखिए पूरा एक्सीलेटर दबा के स्कूटी नहीं चढ़ रही है भाई। ये देखिए गाइस फाइनली पहुंचे हम स्विमिंग पूल। वॉच मिलेगी यार, पता ना आज ना थोड़ा सा पानी बढ़ चुका है स्विमिंग पूल में। ये देखिए चले जी भाई लोग अब नहाते हैं यहाँ पे। ये देखिए और ठंड भी बढ़ गई है यहाँ पे, क्या करें यार, दिन को आना था, दिन में मज़ा आता है यहाँ पे नहाने में, और लेवल भी हाई हो चुकी है पानी की थोड़ी बहुत। भाई बैक फ्लिप बनाने वाला है। ओ पाजी ना बैक स्विमिंग करेंगे, चलो पाजी रेडी। हेलो चल बैक स्विमिंग। हाँ फड़ गए पाज फाइनली नहा लिया हमने, बहुत ज्यादा मजा आ गया, लेकिन हम ना आज भी लेट ही आ गए यहाँ पे, इस वजह से बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो बहुत सारे लोग ना कमेंट करके बोल रहे थे कि इसका एड्रेस बता स्विमिंग पूल का। तो ये देखिए यहाँ से जाते हैं दारा, उससे पहले स्कूल आता है, तो यहाँ पे पाचापा रिजॉर्ट्स रेस्टोरेंट, ठीक है यहीं पे है एड्रेस स्विमिंग पूल का। तो आइए फुल एंजॉय कीजिए यहाँ पे। देखिए यार यहाँ पे रेस्टोरेंट, यहाँ पर देखो अपनी रिंग भी सलामत है और वॉच भी यहीं पर है। थैंक यू भाई इसका ख्याल रखने के लिए। तो गाइस ये देखिए हमने ना चाय पकड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, पहले अब चाय पी लिया, उसके बाद निकलते हैं अस्तान मर्ग के लिए। ओके अब जाते हैं हम अस्तान मर्ग के लिए। क्यों पाजी अस्तान मर्ग जाना है? अस्तान मर्ग जाना है। अभी देख लो यहाँ से पूरा स्मार्ट का व्यू दिख रहा है। तो ये देखिए गाइस ये रही है अस्तान मर्ग की चढ़ाई, ये देखिए पूरा ना यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, स्कूटी भी नहीं चढ़ रही है यहाँ से। पाजी बोल रहे जब भी हम दारा आते हैं ना हमेशा हम आपको बोलते हैं अस्तान मर्ग दिखाएंगे, अस्तान मर्ग दिखाएंगे, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिलता। आज बोल रहे पाजी मिलता है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। पाजी बोल रहे चाहे हमको आज अस्तान मर्ग में ही सोना पड़े लेकिन आज हमको अस्तान मर्ग दिखा पाएंगे, वो तो नहीं दिखा पाएंगे जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन जो अस्तान मर्ग का रोड है ना वहाँ तक हम दिखा पाएंगे आपको। बाकी पैराग्लाइडिंग के लिए हम दिन में आएंगे कभी, ठीक है, लेकिन जो पैराग्लाइडिंग के लिए जाता ना वहाँ पे ना थोड़ा सा ऑफ रोड है, इसलिए वहाँ पे अभी नहीं जा सकते। वहाँ पे कभी पैदल हम पैदल नहीं जाना है पाजी, वहाँ पे ना वो थोड़ा सा ऑफ रोड है, ऑफ रोड वो हाँ, जैसे वहाँ पे ना हिमालयन जाएगी लेकिन स्कूटी नहीं जाएगी, जाएगी लेकिन आप थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्कूटी ना उतनी हेवी नहीं है, पैदल नहीं जाने का अंधेरा हो जाएगा। इस साइड ना बहुत ही ज्यादा ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरा ना हाथ सूज गया ठंड की वजह से। सब्सक्राइबर मेरे कमेंट करके बोल रहे थे कि चांदपुरा का वीडियो बनाओ, चंदपुरा ना यहीं से कहीं से, ये देखिए ये रहा अस्तान मर्ग, अस्तान मर्ग से जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है ना फिर ना वो नीचे जाके चंदपुरा जाता है, वहाँ पे कुछ ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे हम आएंगे लेकिन दिन को ही, क्योंकि मुझे ऐसे ना वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, दिन को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से चंदपुरा। ये देखिए गाइस यहाँ से ना थोड़ा सा रोड बन चुका है, वरना यहाँ से पूरे ना पत्थर थे रोड पे, पूरा खराब रोड था यहाँ से। गाइस बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे कि विलेज का व्लॉग बनाओ, तो ये देखिए ये भी विलेज ही है, यहाँ से देखिए कैसे घर है, ये देखिए पूरा ना यहाँ से पहाड़ी इलाका है। ये देखिए यहाँ से फ्रूट्स है, फ्रूट्स का गार्डन, और यहाँ पे ना मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा खतरा होगा भाई बालुओं का, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे बालू उतरता होगा, गारंटी दूंगा मैं। फुल एक्सेलेटर दबा के स्कूटी नहीं चढ़ रही है, और ये देखिए कितनी हाइट पे आ चुके हैं हम, नीचे उतर नीचे उतर पाजी उतर गए नीचे, आ जा। यहाँ से ना रास्ता फिर भी ठीक कर दिया गया है, जब यहाँ से ऑफ रोड था ना तब ना अकेले चढ़ना था, फिर मुझे तेरे को पैदल ही आना था, पागल हो गया मेरे को भी साथ लेकर मुझे घर जाना अजी जहाँ से हमको आना था ना मेन रास्ता जो था वो था वहाँ तक जहाँ से वो गाड़ियाँ आ रही है ना, हाँ जो गिरने वाले गिरना होता मैं नीचे गिर जाता। ये देखिए ये जो रोड जाता है ना वहाँ तक रास्ता है अस्तान मर्ग का, ठीक है ये रोड ना यहाँ तक मतलब मुझे को लगता है हाल ही में बना हुआ ये रोड, वरना ये हाँ ये पूरा ऑफ रोड था, और ये देखिए यहाँ से पूरा ऑफ रोड ही है, मतलब यहीं तक रोड बना हुआ है, अभी यहाँ तक नहीं बना हुआ है, वो भी गाड़ी ये सब में आते थे ना वो ना वहाँ तक ही जाते थे, ठीक है तो यहाँ से पूरा ऑफ रोड था, ये देखिए जाती थी वो जिप्सी 4x4 ये सब जाती थी, ये देखिए पूरा खराब रोड है यहाँ से, ये देखिए कैसा रास्ता है, यहीं से करते पैराग्लाइडिंग, ये ना उसके टॉप पे वहाँ पे वो रास्ता जहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते फिर नीचे उतरते चंदपुरा के लिए, और यहाँ से चेक कीजिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी का व्यू, पूरा श्रीनगर स्मार्ट सिटी दिख रहा है यहाँ से, देखें
कितना मस्त व्यू है ब्रो। देखिए गाइस, ऐसे ना दूसरे बंदे को पैदल ही उतरना पड़ता है, चाहे ऊपर चढ़ने के टाइम या उतरने के टाइम अकेले जाना पड़ता है। उधर से ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, उधर से आके ब्रेक भी नहीं लगती, पूरा ऑफ रोड है वहां से। वो दिन में आएंगे उधर पक्का चढ़ेंगे हम, ठीक है गाइज। अभी जब पूरा अंधेरा होगा ना, आप देख लेना यहाँ से ना पूरा श्रीनगर स्मार्ट सी चमकेगी, लाइट्स ये सब होती है ना उस वजह से मस्त लगता है शाम का व्यू। यहाँ से जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही घना जंगल है यहाँ से। ये देखिए गाइज, ये जो पहाड़ है ना वहाँ पे, ये देखिए ये वाला पहाड़, ठीक है वहीं पे ना टॉप पे पैराग्लाइडिंग की जाती है, फिर नीचे उतरते हैं चंदपुरा के लिए। क्या बोलते हैं पाजी बोल रहा है पैरा राइडिंग क्या बोलते बोलो क्या बोलते था तू बोल पैरा क्या बोलते हैं पैरा राइडिंग पैरा राइडिंग हाँ पैरा राइडिंग मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है क्या बोलते हैं कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना तो मेरे मुंह से निकलते नहीं है। मेरे को भी सेम ही प्रॉब्लम है। पैरा राइडिंग बोलते हैं ना, पैरा राइडिंग पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग ना, मैं भी भूल गया था इसलिए मैं सोच रहा था पहले क्या बोलते हैं। हाँ ये देखिए गाइस, डल लेक ना वो लगता है ना छोटा सा तालाब है ना, आपको पता ही है डल लेक कितना बड़ा है। भाई इतने में पूरा हो रहा है ना इतने में पूरा हो रहा है ना, वो नाइट के टाइम भी अच्छा नहीं आता, फोन में पूरा ब्लर हो जाता है। मेरे को लगता है पेमेंट आएगी ना भाई, मेरे को ना फोन लाना पड़ेगा। मुझे पेमेंट आएगी ना, उतनी पेमेंट तो नहीं आएगी मेरे को, लेकिन आएगी ना मैं पहले एक सेकंड हैंड गोप्रो ले लूंगा। गोप्रो ओके, लेकिन गोप्रो के लिए वो लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप है मेरे पास, लैपटॉप ले लूंगा, फोन ले आऊंगा ठीक है, जिससे ना वो अच्छा सा क्लियर आ जाए व्यू, है ना। निकली ये निकली पाजी, जल्दी आ निकली।